स्टूडेंट्स, आपका अपने स्वागत है प्रैक्टिस सीट पे। दोस्तों, आज हम चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्लास ट्वेल्थ का ट्वेल्थ एक्सरसाइज 12.1 मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये सिंबल होता है, इसी को कहा जाता है LPP। देखिए LPP क्या होता है। LPP में फॉर्मूला होता है जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जेड का मतलब होता है x+BY। ठीक है, देखो दोस्तों, दो भाग बटा हुआ है, एक्स एक्सिस इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे बोलते हैं वर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ से वहाँ माइनस होता है, तो O मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है, इसी कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता है क्योंकि एक्स प्लस है तो बाय प्लस है। ठीक है, और एक्स माइनस है तो इसलिए बाय प्लस हो गया। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड क्वार्टर में एक्स पहले होगा माइनस, फिर बाय माइनस होगा, फिर आएगा एक्स प्लस, फिर बाय माइनस, क्योंकि कोमा पल एक्स होता है। आगे देखिए, एक्स को बोलते हैं ऑब्सिस ओरिजेंटल, बाई को ओर्डिनेट वर्टिकल्स, ओ को ओरिजिन, एक्स बाय जीरो जीरो, एक्स का जीरो बाई का जीरो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है सोल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग्स प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज जेट है ना 4x+y, सब्जेक्ट टू द कॉन्टेस्ट x+y <50, 3x+y> <90, x < 0, y < 0, राइट। तो देखो दोस्तों, ये पूरी पूरी जो सिस्टम हुआ है, ये जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए x+y = 50, x का = 0। तो अगर आप x का 0 रखते हो तो बाई को हो जाएगा 50, तो x 0 बाई 50। यानी फिर दूसरा क्वेश्चन 3x+y, बाई को 0, अगर एक को x मानोगे दूसरा को बाई मानना पड़ेगा, 0 रख दिया, तो अब यहाँ पे क्या किया, 3 को डिवाइड किया 90, देन 30 से, तो ये आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट्स। अब क्या किया, देखिए इसमें यही है ग्राफ बनाने का, कि पहले x का 0, फिर y का 0, फिर दो कॉलम हो जाएगा, उसके बाद जो संख्या जो होगा, जो y बराबर हो या x बराबर हो, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना पड़ता है ना, एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, इसको कट किया, इसको माइनस किया तो -2x, इसको माइनस किया -40, डिवाइड किया 20, पुटिंग वैल्यू 1 के, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, x + y = 50, तो एक्स का 20 आ गया, प्लस वाई, इसको उधर भेजा -20, तो ये हो जाएगा 30, बाग 30 थर्ड आ गया 20 और 30। ठीक है, तो हमने एक्स का 0 रखा था तो 0 आ गया। तो देखिए, इसी तरह से हम इसको सोल्व किया। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, कोऑर्डिनेट आ गया 1, 2, फिर आपका यहाँ पे आ गया 3, और चौथा हो गया 0, 0। ठीक है, 0, 0 कोऑर्डिनेट को, क्लियर है दोस्तों। देखिए, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब 0, 0 आया था, तो जेड का वैल्यू हमारा है मैक्सिमाइज का, तो हमने ये किया, तो 4, 0 आई 0, तो 0 आ गया, फिर सेकंड पार्ट 30 रखा, तो 30 4 20 1 4 20 20 को यहाँ रखा, तो 24 80 प्लस 30 1 10, फिर 0, 0 50, तो 0 यहाँ रख दिया, एक्स का 0, बाई का 50, तो 0 50। ठीक है, तो मैक्सिमाइज कौन सा आ गया, मैक्सिमाइज आपका ये वाला आ गया। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज, इसे लिखेंगे मिनिमाइज, मिनिमाइज ये हो गया, मैक्सिमाइज आपका ये हो गया, क्लियर हो गया दोस्तों। अब ग्राफ बनाते हैं, देखिए यहाँ पे पहला था, देखिए पहला हमारा है 0, 0। ठीक है, तो 0, 0 का ग्राफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला नंबर से दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगला जो ग्राफ बनाया गया है वो आपका यहाँ पे बनाया गया है, देखिए 50 वाला। ठीक है, 0, 50, यहाँ देखो ये 0 था, 50 यहाँ पे है, फिर 50 कट गया, तो यहाँ पे मैंने किया, क्लियर दोस्तों। ग्राफ बनाते हैं x+y = 50 बाई क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का है, फिर कितना था दूसरे क्वेश्चन का, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना आया था, 30 और 0 है ना, 30 हमारा एक्स पर आ गया और 0। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा क्लियर हो रहा है ना, आगे देखिए, फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पे 20 30 आ गया, यहाँ देखिए 20 और 30, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ग्राफ ये आपका पूरा बन गया, ठीक दोस्तों। तो ये इसका नाम हो गया 3x y = 90, ठीक दोस्तों। ग्राफ हमको हमने इसको मिला दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर डैश आपको डैश हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्स का 0 था, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार। I'm not afraid to die.